Hi, my dear lovely children. How are you all? I hope you all are doing good. So, are you ready to begin with the new lesson of your book? Welcome back to your SST class. I am your teacher, Ananya, and I am back with a new chapter of your series, that is Jellybean Journeys in Social Studies for Class 5 by Brainroot Publication. आज हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे राइट. चैप्टर नंबर 1 में हमने ग्लोब, मैप्स, डायरेक्शंस इन सब के बारे में पढ़ा था. आज हम थोड़ा और अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं. सो लेसन 2 इज अबाउट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे कि हम अर्थ के ऊपर जो वेरियस प्लेसेस हैं उनको कैसे लोकेट करते हैं. सो लोकेटिंग द प्लेस ऑन अर्थ एंड हाउ डू वी कैलकुलेट टाइम. हम टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम सब घड़ी में टाइम देखते हैं ना, तो टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दो चीज़ें हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे. रिट्राइव, लेट्स रिकॉल. ड्रॉ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑन एन ऑरेंज. ऑरेंजेस हैव इजीली आइडेंटिफाइबल एरियाज दैट रिप्रेजेंट द नॉर्थ एंड साउथ पोल, इक्वेटर लाइन एट्सेट्रा. Poke toothpick through them to talk about the tilt of Earth's axis. Observe the grid system thus prepared. तो हम जब latitudes and longitudes के बारे में पढ़ेंगे, इसका experiment हम एक orange के साथ कर सकते हैं. Oranges जो हैं काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं Earth की shape से. So we will do this exercise. All right. So let's get started. पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद you can do this experiment. First one, locating places on Earth. हम किसी भी प्लेस को अर्थ पर कैसे लोकेट करते हैं? हमें कैसे पता कि कौन सी जगह एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पर प्लेस्ड है? सो लेट्स बिगिन. द ग्लोब हैज़ एन एक्सल दैट अलाउज इट टू स्पिन सिमिलर टू हाउ द अर्थ स्पिन्स ऑन द इमेजिनरी एक्सिस कॉल्ड एक्सिस. लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो एक इमेजिनरी लाइन पर, जो कि एक्सिस बोलते हैं जिसे, उस पर रोटेट करती है राइट, उस पर घूमती रहती है. सिमिलरली, क्योंकि ग्लोब एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का, उसी तरह ग्लोब भी एक एक्सल स्टैंड पे हमेशा रहता है और उतना ही टिल्टेड रहता है जितना कि हमारा अर्थ टिल्टेड है. तो वो भी क्या करता है, घूमता रहता है. अ ग्लोब और अ मैप ऑफन शोज लाइन्स ड्रॉन अक्रॉस इट. These lines don't actually exist on the Earth's surface but are imaginary, helping us to determine the precise location of any place on Earth. अब एक ग्लोब या मैप पे हम कई बार बहुत सारी लाइन्स देखते हैं. ये जो लाइन्स हैं ये एक्चुअली अर्थ के सरफेस पर नहीं हैं. इन्हें हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ताकि हम ग्लोब को अच्छे से स्टडी कर सकें, यानी अर्थ सरफेस पे जो वेरियस लोकेशंस हैं उनको इजीली स्टडी कर सकें या उनके बारे में और ज़्यादा जान सकें. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स के बारे में. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका ज्योग्राफी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट इट स्टार्ट. SST जब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तब 3 सेक्शंस में बढ़ जाएगा, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी में ये एक मेन टॉपिक है, तो आइए इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. Latitudes are the imaginary lines which encircle the Earth horizontally and run from east to west. अगर हम एक अर्थ का शेप ड्रॉ करें, ठीक है, दिस इज जस्ट अ रफ स्केच. ठीक है, अगर हम एक शेप ड्रॉ करें, सो जो लाइन्स ईस्ट टू वेस्ट यानी ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की तरफ जा रही हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स बोलते हैं. ये राउंड शेप में होती है, सर्कल शेप में होती हैं. ऑलराइट, और ये पैरेलल होती हैं, यानी ये लाइंस आपस में नहीं टकराती, दे डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर. ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी ये इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है एक दूसरे से. ओके, सो अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट आर लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन. ठीक है, ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये जस्ट इमेजिनरी लाइन्स है. विच एनसर्कल द अर्थ हॉरिजॉन्टली एंड रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, एंड दीज लाइन्स आर पैरेलल. पैरेलल का मतलब ये आपस में कहीं पे भी क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को. ठीक है,
The latitude which divides the earth exactly at the center is the longest and is known as equator. अब जो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है और अर्थ के सेंटर से पास करता है, यानी जो सर्कल अर्थ को सेंटर से कट करता है या हाफ हिस्सों में बांट देता है, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. लाइक दिस, दिस इज द इक्वेटर. क्लियर? द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स और हेमिस्फीयर्स. हम इक्वेटर के थ्रू अर्थ को दो हिस्सों में बांट देते हैं, दो इक्वल हिस्सों में, जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं. ठीक है? क्लियर? जो नॉर्थ की तरफ है, यानी ऊपर की तरफ जो है, उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ है उसको हम सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. क्लियर? नॉर्थ की तरफ जो है उसको बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो नॉर्थ में है, और जो साउथ की तरफ है उसको बोलेंगे हम सदर्न हेमिस्फीयर. Lines of latitude are labeled in degrees. The latitudes of the northern hemisphere are located as N. यानी हर वो latitude जो north side में होगा उसके आगे हम N represent कर देंगे to show कि ये वाले जो latitude है ये north की तरफ है. और जो भी latitude south की तरफ होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम represent करेंगे latitude की degree के साथ और S के साथ, representing south. Poles की तरफ हम क्या लेते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ. यानी अर्थ के जो ये दो एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, जो पोल है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, यहाँ हम 90 डिग्री साउथ और 90 डिग्री नॉर्थ के हिसाब से लैटिट्यूड्स का मेजर लिखेंगे. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 8 स्टेट्स इन इंडिया. सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड जो इंडिया में से पास करता है, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है? ये इंडिया के 8 राज्यों को कवर करता है, यानी 8 राज्यों में से पास करता है. व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज गुजरात, सेकेंड इज राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. इन 8 राज्यों से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है गुजरता है. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स. अब लैटिट्यूड तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स हैं जो बहुत ज़्यादा मेन हैं, जिनकी हेल्प से हम बाकी सारे लोकेशंस को फाइंड आउट करते हैं. सो दीज आर द मेजर इम्पॉर्टेंट 5 लैटिट्यूड्स. इनके बारे में पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है हमारा इक्वेटर. इक्वेटर है बिल्कुल अर्थ के सेंटर में. अभी हमने दूसरे पेज पे पढ़ा था कि इक्वेटर जो है एक ऐसा लैटिट्यूड है जो कि अर्थ को आधे हिस्से में बांट देता है. तो एज यू कैन सी, ये जो बीच की लाइन है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर. देख रहे हैं आप, बीच में से लाइन जा रही है. इसने अर्थ को एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर दिया है, है ना? ये नॉर्थ का एरिया है, इधर की तरफ नॉर्थ है, ऊपर जो जा रहा है टॉप की तरफ, दैट इज नॉर्थ, एंड नीचे जो आ रहा है दैट इज साउथ. ठीक है? और जैसा कि हमने पढ़ा था कि नॉर्थ के जितने भी लैटिट्यूड्स होंगे उनके साथ में एन यूज़ होगा, और साउथ के जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनके सामने जो है क्या यूज़ होगा, एस यूज़ होगा. कैन यू सी दिस? ओके, सो दिस इज़ द वे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. इक्वेटर तो बीच में आ गया, तो इट इज़ 0 डिग्री. ठीक है? अब हम इक्वेटर से डिग्रीज अगर मेजर करना शुरू करें, तो नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि नॉर्थ में है. ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है. उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन साउथ में है. ठीक है? ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन साउथ में आ गया. इसके बाद हमारा आर्कटिक सर्कल, जो कि यहाँ पे नॉर्थ में है. ठीक है? फिर आता है एंटार्कटिक सर्कल, जो कि हमारा साउथ में है. क्लियर है? ऑलराइट. ये जो आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल है, ये पोल्स के पास है, इसीलिए ये हमेशा क्या रहता है, ठंडा रहता है. और इनके इम्पॉर्टेंट डिग्रीज भी यहाँ पे मेंशनड हैं. कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है? जैसे इक्वेटर का डिग्री है 0 डिग्री, बिकॉज ये बिल्कुल इक्वल डिविजन कर रहा है. इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड केप्रिकॉन 23.5 डिग्री पे है, एक नॉर्थ में है एक साउथ में है. ऐसे आर्कटिक सर्कल और एंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पे है, एक नॉर्थ में है और एक साउथ में है.
ठीक है। आपको बच्चों इन लैटिट्यूड्स को बहुत ध्यान से याद करना है बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, लेट्स मूव फर्दर। लॉन्गिट्यूड्स, अब क्योंकि हमें लैटिट्यूड्स के बारे में और कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पता चल गया है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो इमेजिनरी लाइन, बिल्कुल लैटिट्यूड की तरह ही लॉन्गिट्यूड भी इमेजिनरी लाइन ही है, बस ये अलग डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। एज यू कैन सी द लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी नॉर्थ पोल से साउथ पोल, यानी ऊपर से नीचे वर्टिकल लैटिट्यूड तो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं। लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यानी नीचे की तरफ आती हैं, ये इक्वल लेंथ की होती हैं। देयर टोटल नंबर इज 360, ठीक है। लैटिट्यूड्स इक्वल लेंथ के नहीं होते, लैटिट्यूड्स के सर्कल छोटे बड़े होते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स बिल्कुल सेम लेंथ के होते हैं, ऑल राइट। और ये कितने हैं टोटल, टोटल ये 360 हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, मेरिडियंस। हम इन्हें क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स या फिर मेरिडियंस बोलते हैं, ठीक है। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड विच पासिस थ्रू द ग्रीनविच नियर लंडन इन द यूनाइटेड किंगडम इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, उसी तरह लॉन्गिट्यूड जो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसको हम ग्रीनविच लंडन की तरफ से जो पास करता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, बिल्कुल ऐसे ही प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। एंड इससे हम दोनों तरफ की लॉन्गिट्यूड्स को मेजर करते हैं, कुछ ईस्ट की तरफ रहती हैं, मतलब हाफ जो है ईस्ट की तरफ लॉन्गिट्यूड्स रहते हैं और हाफ जो है वेस्ट की तरफ रहते हैं, क्लियर। टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, 360, और अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें यानी हाफ कर दें, सो 180 एंड 180, ठीक है। सो 180 लॉन्गिट्यूड्स ईस्ट की तरफ रहेंगे और 180 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ रहते हैं। लॉन्गिट्यूड्स टू द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच आर कॉल्ड ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी जो ईस्ट की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और जो वेस्ट की तरफ है उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, ठीक है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू हेमिस्फेयर्स, प्राइम मेरिडियन इक्वेटर की तरह ही अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। Therefore, the longitude of the place is followed by letter E and for east and W for west. It is, however, interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridians are on the same line. ये बड़ा ही interesting एक बात है कि 180 degree का जो longitude है east और west का, वो एक ही line पर आता है, यानी ये coincide करते हैं, clear है। Now let us study about grid, ठीक है। ग्रिड इज़ अ नेटवर्क, वॉट इज़ वट काइंड ऑफ नेटवर्क, क्या होता है बेटा, मान लो दिस इज योर, सपोजिंगली लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ऑल राइट। ये एक छोटा सा अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है, अब इसमें हमने डिफरेंट पैरेलल सर्कल्स ड्रॉ किए, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, और हमारे लॉन्गिट्यूड्स भी रन करते हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं, राइट। तो कैन यू सी कि ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, ये जो है एक जाल जैसा बना रहा है, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड एंड दिस इज ओनली ग्रिड, इसको हम ग्रिड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्रिस क्रॉस ईच अदर टू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन्स नोन एज ग्रिड। ये जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, क्रिस क्रॉस कर रहे हैं, आपस में कट हो रहे हैं, इससे एक जाल फॉर्म होता है, एक नेटवर्क ऑफ लाइन या ग्रिड फॉर्म होता है, और इसी को हम ग्रिड बोलते हैं, ठीक है, इस जाल को हम ग्रिड बोलते हैं। सो बच्चों, जैसा आपने देखा कि ये अर्थ पे ये लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स जो आपस में एक साथ ड्रॉ किए गए हैं, ये आपस में अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और वाइल इंटरसेक्टिंग ये एक जाल जैसा इमेज बनाते हैं, और इसी को हम ग्रिड बोलते हैं। सो द नेटवर्क ऑफ लाइन्स इज नोन एज ग्रिड, ठीक है। द पॉइंट इन द ग्रिड वेयर द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। अब
ये जो पॉइंट्स है जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे। कोऑर्डिनेट हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस और पॉइंट ऑन अर्थ, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं या ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इसी के हेल्प से हम अलग अलग लोकेशंस को पता कर पाते हैं, अर्थ पे कौन सी जगह कहाँ पर है वो हम इजीली पता कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट टाइम। ऑल राइट, longitudes help in calculating time. The difference between two consecutive longitudes is 4 minutes. Yani do longitude, ठीक है, longitude ऐसे ही आते हैं ना, running from north to south. तो ये जो दो longitude है इनके बीच का जो time period, यानी इस longitude से इस लॉन्गिट्यूड तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट, ठीक है। हाउ मच टाइम डू वी नीड, वी नीड 4 मिनट्स। व्हेन वी ट्रैवल ईस्ट वर्ड्स फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो बीच में है उससे जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें 4-4 मिनट हर मेरिडियन पे पहुंचने के लिए लगता है। व्हेन वी ट्रैवल वेस्ट वर्ड्स फ्रॉम प्राइम मेरिडियन, हम सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं, मतलब ईस्ट वर्ड जाते वक्त हम +4 मिनट्स करेंगे और वेस्ट वर्ड जाने के लिए हम -4 करेंगे, ठीक है। यहाँ ईस्ट है और यहाँ वेस्ट है, तो अगर हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो हम 4 मिनट ऐड करते चलेंगे, और अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो फिर हम 4 मिनट माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम किसी भी लोकेशन का टाइम या किसी भी जगह का जो है टाइम निर्धारित करते हैं। एज वी पास ईच मेरिडियन, द मोमेंट वी क्रॉस टू द ईस्ट ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, वी गेन और एड अ डे। सिमिलरली इफ वी क्रॉस टू द वेस्ट ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, वी सब्ट्रैक्ट अ डे। यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को हम जैसे ही क्रॉस करते हैं हम एक दिन माइनस कर देते हैं या प्लस कर देते हैं। ईस्ट की तरफ अगर इंटरनेशनल डे लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर एक दिन प्लस होगा। ईस्ट में हमेशा ईस्ट की तरफ जाते ही चीज़ें प्लस होती जाएंगी, और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो एक दिन क्या होगा, माइनस होगा। ऑपोजिट्स काम करते हैं, ठीक है। इट इज़ 12 noon एट ग्रीनविच, क्योंकि ग्रीनविच 0 degree लॉन्गिट्यूड है तो वहाँ पर हम 12 noon लेते हैं, ठीक है। इट वुड बी 12:04 PM एट 1 meridian degree एंड सो ऑन। यानी अगर हम ग्रीनविच से ईस्ट की तरफ जाएंगे तो फिर हम टाइम कैसे बताएंगे कि 12:04, फिर एक और मेरिडियन पे ट्रैवल करेंगे तो 12:08, इस तरीके से चलेगा, ठीक है, क्लियर है। ऑल राइट, लेट्स रीड फर्दर। इन इंडिया द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82.5, दैट इज 82.5 degree। So the time difference between Greenwich and India is 82.5 into 4, which is 330 minutes. यानी ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। हम ईस्ट की तरफ है इसीलिए ग्रीनविच से हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं। Now let's do the catalog. इस चैप्टर में हमने कुछ नए टर्म्स सीखे तो एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एक्सिस। एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ के सेंटर से पास करता है, जिस पर अर्थ जो है चक्कर लगाता है या रोटेट करता है। इक्वेटर, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द प्लैनेट, है ना। इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स आर द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ का डिस्टेंस हमें पता चलता है और इक्वेटर से साउथ की तरफ हमारा डिस्टेंस पता चलता रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। इसके अलावा लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम ग्रीनविच, फ्रॉम ईस्ट, फ्रॉम ग्रीनविच टू वेस्ट। यानी मिडिल लॉन्गिट्यूड जो है वो ग्रीनविच है और वो हमें ईस्ट और वेस्ट के डिस्टेंस के बारे में बताता है। ऐसे ही इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स किसी लाइन पर जब हम क्रॉस करते हैं, व्हेन वन लाइन पासेस थ्रू अनदर, जहाँ पे एक जगह पे हम अगर क्रॉस कर रहे हैं, एक लाइन दूसरी लाइन को कट कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्लियर। नाउ व्हाट ऑल डिड वी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट, द टू एंड्स ऑफ द अर्थ एक्सिस आर नोन एज पोल्स, है ना।
Second, the parallel of latitudes are drawn from east to west and the lines of longitudes are drawn from north to south. यानी latitudes जब हम draw करते हैं तो east to west draw करते हैं और longitudes जो है north to south. ठीक है. The prime meridian divides the earth into two halves, eastern hemisphere and western hemisphere. Coordinates help us to locate a place or a point on the earth. यानी जो intersecting points हैं जहाँ पे latitudes और longitudes intersect करते हैं वो coordinates कहलाते हैं और उनके through हम लोग कोई भी place जो है earth पे locate कर सकते हैं. Alright children, so we are done with the chapter. Now we will move towards the exercises. Okay, so let's get started with the exercise. First one शुरू करते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शंस. हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं. द टू एंड्स ऑफ अर्थ एक्सिस आर नोन एज मेरिडियंस, पोल्स, एक्सिस एंड लॉन्गिट्यूड. सो आंसर इज पोल्स. ठीक है. सेकेंड, द डैश डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स, इक्वेटर्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, प्राइम मेरिडियन. सो द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर्स. ठीक है. वैसे तो कायदे से प्राइम मेरिडियन भी हमारे अर्थ को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है बेटा. इक्वेटर नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है और प्राइम मेरिडियन ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है. ठीक है, तो दोनों ही एक्चुअली सही हैं. ठीक, आगे आते हैं. लॉन्गिट्यूड हेल्प इन कैलकुलेटिंग टाइम. पैरेलल्स, पोल्स, ग्रिड, लॉन्गिट्यूड हमें टाइम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ते हैं. एक्सरसाइज बी इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो लेट्स डू द फिल इन द ब्लैंक्स वन बाय वन. एक एक करके फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं. ऑलराइट, फर्स्ट वन. ए डैश हैज अ नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन ऑन इट. अ मैप और अ ग्लोब. अ मैप या फिर ग्लोब. द लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ पोल इज डैश एंड दैट ऑफ साउथ पोल इज डैश. द लैटिट्यूड्स ऑफ नॉर्थ पोल इज आर्कटिक सर्कल. ठीक है, एंड साउथ पोल का है एंटार्कटिक सर्कल. क्लियर. थर्ड, डैश हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस और पॉइंट ऑन अर्थ. लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों ही हमें हेल्प करती हैं. ठीक है, इनफैक्ट हम ग्रिड लेंगे इसमें. ठीक है, वी विल राइट ग्रिड. ग्रिड लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का इंटरसेक्शन पॉइंट्स है और अदरवाइज आप इसमें कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, अच्छा होगा कि आप कोऑर्डिनेट्स लिख दें ताकि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन तो हमें कोऑर्डिनेट्स के थ्रू पता चलती. तो कोऑर्डिनेट्स. फोर्थ, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लॉन्गिट्यूड इज 4 मिनट्स. फाइव, सेंटेंस नंबर फाइव. द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड इंडिया इज. ग्रीनविच और इंडिया में कितना टाइम डिफरेंस है? 5.5 घंटे का. 5.30 आवर्स. राइट, हम इतना आगे हैं. क्लियर. ऑल राइट, सो लेट्स डू द जंबल वर्ड्स वन बाय वन. फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूड. ओके, नेक्स्ट इज मेरिडियन. Then we have coordinates. Next is grid. And last is equator. Clear, children? So I hope that you have noted down all the answers in your books. So with this we are done with the exercises of this chapter. So we are done with another interesting chapter of
your SST book. I hope that you have enjoyed the session and you have understood the concepts quite well. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि latitude क्या है, longitude क्या है और ये किस तरीके से हमें किसी भी जगह के बारे में जानने में मदद करते हैं. So children, with this we come to an end to today's session. I will meet you again soon with something more interesting and more informative in your SST book. So bye bye and take care. Have a wonderful day ahead.